नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी को जो लखनऊ में आयोग पे अपनी बात रखनी है उसके कार्यक्रम के बारे में बात होगी। उससे पहले हम लोग जो है न्यू अकेडमी ऑफिशियल का ऐप जो है के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यू अकेडमी ऑफिशियल का ऐप जो है बन रहा है, अभी उसमें लगभग 10 दिन या 5 दिन और लगेंगे। इसके बाद वो ऐप जो है अच्छे से वर्क करने लगेगा। इस पे आपको जो है टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप वहां पे अपनी प्रैक्टिस करिए और अपना स्कोर आप लोग चेक करिए, ठीक है। तो ये बात है और उससे आने से जानते हैं कि आपको जो है अपनी तैयारी जो है प्रैक्टिस से ही तैयारी बेहतर होती है, तो उस पे आपको पूरा मौका मिलेगा और जो क्वेश्चन की वहां पे प्रैक्टिस रहेगी, जो सेट रहेगा, उस पे हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। अब आते हैं बात 20 फरवरी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं 20 फरवरी को आयोग में चलना है, वहां पे शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी है, ठीक है। वहां पे शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी है। क्या बात रखनी है सर, वो जरा बच्चों को बता दीजिए। बस जैसे कि होता है दोस्त, अपनी व्यथा रखना है वहाँ। जैसे को हमें क्या दर्द है, जैसे व्यथा है कि आप बोलेंगे सर कि जो हमारे बहने लोग हैं वो लोग भी आए, और जो भाई लोग हैं 906 लोग पुराने वो लोग भी आए। हमें अपनी व्यथा रखना है कि सर जैसे कि हमारे घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि अभी नहीं वैकेंसी आ रही है, जैसे कि एक साल दो साल से आ रही है कि कल आएगी सर परसों आएगी। तो हम सिर्फ हम इसलिए आपके सामने आए हैं कि हम आप जो बताएंगे वही बात हम अपने परिवार वाले को बता करके समझा देंगे। इसलिए हम लोगों का यही उद्देश्य है सर आने का, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस वही क्लियरिटी हो जाएगी कब वैकेंसी आएगी। तो यही है कि वहां पे अपनी बात हमको ये बतानी है सर को कि सर पिछले दो सालों से हम घर वालों को यही चीजें बता रहे हैं कि हमारी वैकेंसी जो है अभी अक्टूबर में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी। तो लोग भी सुन सुन के कहीं ना कहीं जो है हमारी बातों को अब उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, और फिर हमने बताया कि अभी फरवरी में आ जाएगी, तो जो है आज 20 फरवरी हो गई है, अभी तक नोटिफिकेशन का कुछ नहीं है। तो इसीलिए सर हम लोग आए हैं कि सर आप जैसा है बता देंगे तो हम लोग का जो है हम वही चीजें अपने घर वालों को बता देंगे, तो लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे और हमको जो है आराम से जो है हम अपनी तैयारी में लग जाएंगे, वो लोग हमें तैयारी के लिए भी समय दे देंगे। और सिलेबस के लिए जो असमंजस है उसको भी पूछ लिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि सिलेबस को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, वैसे काफी कुछ है जो है कृषि राष्ट्रीय कृषि छात्र संघ के महासचिव जी हैं श्री आशुतोष तिवारी जी, उन्होंने काफी कुछ चीजें जो है क्लियर कर ली है। वो चीज आपको पता ही हो गया होगा कि क्या चीजें सर ने पता की थी, तो वही चीजें है। सर से भी बात हुई है, श्री जो है आशुतोष तिवारी जी से बात अभी हुई है, तो उन्होंने बताया है कि वो जो है कुछ घर पे कार्यक्रम है उसमें थोड़ी उनकी व्यस्तता है, अगर उनको समय मिलता है तो वो जरूर जो है पहुंचेंगे। अगर वो पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। वह जहाँ पे अपनी बात छोड़े थे उस दिन जो है अभी सर तीन चार दिन हुआ वो गए हुए थे, तो वहीं से वो बात अपनी स्टार्ट कर लेंगे और सर पहुंचेंगे तो अच्छी बात होगी, नहीं तो हम लोग भी वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे सर ऐसा था। तो मेन चीज है कि एक सिलेबस को असमंजस जो है वो दूर हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग वहां पे जाएंगे तो उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये बताइए, आपके पास अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज करते हैं, वो चीज जो है सही हो जाती है। तो वही चीज है, वो जो है आयोग हमारे एक हिसाब से डॉक्टर हैं, भगवान ही हैं, उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे। सर ऐसी बात है कि जो है सर हमारा पहला विज्ञापन हो जाए और जो है जो ये चीजें हैं वो दूर हो जाए। बस सर वही डिपेंड करता है आप किस तरीके से बात रखते हैं। मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आप किसी के सामने अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं। जी वही चीज है, जैसे कोई भी आप हैं अभी किसी से बात करते हैं, बात करने का एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। अगर आप वही चीज शांतपूर्वक बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात को किसी के सामने भी रखेंगे तो वहां पे आपकी बात बन जाती है। वो कहते हैं नहीं ये चीज ये सही कर रहे हैं, बच्चे काफी दिनों से ऑलरेडी परेशान है, ये चीज उनको भी पता है कि एजिट ये की वैकेंसी पिछले 2021 पेट से ही आनी थी। और ये भी कहा जाएगा कि सर जैसे कि हम सर ये निवेदन करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं सर कि हमको होली का तोहफा आप हाँ दे दीजिए। जी
और ये भी हम कहेंगे कि सर जो है आप अगर इसकी वैकेंसी को होली को पहले निकाल देंगे तो ये होली का तोहफा हो जाएगा और हम इसमें मेहनत करके जो है अपनी होली को और अच्छी जो है रंगीन कर लेंगे। ये चीज रखना है, वही चीज है, विनम्रता से अपनी बात रखनी है, वहां पे कोई शोर शराबा हो हल्ला नहीं होने वाला है, आराम से अपनी बात रखी जाएगी और जो है पूरी उम्मीद है कि उन बात का जो हम लोग बात करके वहां पे आएंगे हम सब आप लोग उसका जो है बहुत सकारात्मक जो है परिणाम हम लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो सर हाँ यही था और मेन चीजें सभी लोग पहुंचे जी, जो हमारे बहने लोग हैं वो लोग भी आए, जो आ सकते हैं आए, अपने जो है व्यथा बताना है हमको कि सर हमने इतना इंतजार किया है, हमारे घर वाले फोर्स कर रहे हैं कितना भी तैयारी करना है क्या है। सर मैं बस डेट आप बता देंगे, मैं वही घर वाले को बताना है, तो आप लोग सब लोग पहुंचे। ये टाइमिंग है सर कॉल करने का, ये टाइमिंग आप बता दीजिए। जी जी देखिए ये है अपना, ये नंबर है, नंबर है 88 40 23 24 53, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और 19 तारीख को 20 तारीख को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। 7 से 8 के बीच में है डेली का टाइम जी शाम में, और 19 और 20 को ये मोबाइल पूरी तरह से खुला रहेगा, आप कभी भी इस पे कॉल कर सकते हैं, आपसे बात हो जाएगी। और हाँ आयोग पे पहुंचने का समय है 9:30 बजे, क्योंकि अध्यक्ष जी लगभग 10 बजे आ जाते हैं तो हम थोड़ा पहले पहुंचेंगे तो और अच्छी बात होगी। मतलब और जो लोग भी सर जैसे कुछ लोग मान लो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप लोग 10 बजे तक पहुंच जाओ, आप लोग मेरा हम सबका उद्देश्य है कि सब लोग साथ में हो करके सर से मिला जाए। और ये भी होता है कि जो है अगर हम लोग सुबह पहुंच जाते हैं तो सर वहीं पे सबसे मुलाकात कर लेते हैं और अच्छे से बात भी करते हैं, जैसे पिछली बार सर से बात हुई थी, पिछली बार 8-10 लोग थे, सारे लोगों से उन्होंने बात किया, एक एक मिनट आप बताएं कहां से आए हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब वही बता दो फ्रैंक के अधिकारी, मतलब जितने अपर लेवल के अधिकारी होते हैं बात बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से होकर के उन्हें सब कुछ टैकल करते हुए झेलते हुए वहां तक लोग पहुंचते हैं। तो आप लोग जो है समय से पहुंच जाएंगे तो वहां पे सबकी बात हो जाएगी, नहीं तो अगर लेट होगा तो फिर वही 2 लोगों को ऊपर बुलाते हैं। ठीक है, वो चीजें हैं, तो बस यही था हमारा कहने का मतलब, किसी का जो है आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है इस चीज का क्या परिणाम है, नकारात्मक सकारात्मक वो चीज आप समझते हैं, किसी को बताने की उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो बस है, एक लाइन बोल के जो है वीडियो के ही रखते हैं, विचार ऐसे रखो कि किसी को आपके विचारों पर भी विचार करना पड़े, समुन्दर बनकर क्या फायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहां शेर भी पानी पिए तो अपनी गर्जन झुका कर पिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।